नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। पटना मेट्रो डिपो निर्माण को लेकर पहाड़ी मौजा स्थित यानी पटना न्यू बस स्टैंड के पास करीब 75 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने एक्वायर की है, और जिसको लेकर अब जमीन मालिक और राज्य जिला प्रशासन आमने सामने हो गई है। हालांकि आज आंदोलन का, जमीन मालिकों का जो आंदोलन चल रहा है जमीन बचाने को लेकर, उसका आज 15वां दिन है। और आज बिहार भाजपा में नेता नंदकिशोर यादव का इन लोगों ने घेराव किया है। हालांकि हम आपको बता दें कि नंदकिशोर यादव किसी निजी कार्यक्रम के दौरान बैरिया पहुंचे हुए थे। उसी दौरान आंदोलनकारियों ने जब देखा कि भाजपा नेता नंदकिशोर यादव पहुंचे हुए, तो उनका प्रदर्शनकारियों ने घेराव कर दिया और महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की है। हालांकि इस दौरान क्या कुछ कर रहे हैं नेता नंदकिशोर यादव, छोड़े जा रहे हैं उनके बयान। जमीन पर बिना सूचना का प्रशासन द्वारा कब्जा किया जा रहा है। देखिए, जिस जो नगर विकास विभाग ने लगातार यहां के जमीन अधिग्रहण का जो प्रयास किया है पूरी तरह से गलत है। हम आज से नहीं, प्रारंभ से इस बात के लिए लड़ाई लड़ते रहे। तत्कालीन अधिकारियों से मिलने का काम किया, डिप्टी सीएम से मिलने का काम किया, सीएम को चिट्ठी लिखने का काम किया, लेकिन किसी के कान पर कोई जू नहीं देख रहा है। मैं वर्तमान सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इन लोगों के साथ अन्याय नहीं करें। लोगों के मकान बने हुए हैं, कई कई बार जमीन का अधिग्रहण हो गया है, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और हम लोगों ने वैकल्पिक रास्ता भी बताने का काम किया। हम लोगों ने बताया कि आप जिस काम के लिए जमीन लेना चाहते हैं उसके और कौन कौन वैकल्पिक जगह हो सकते हैं, उसका भी नक्शा बना के हम लोगों ने दिया। लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जो यहां के लोगों ने आवेदन दिया है वैकल्पिक जगह के लिए, उस पर विचार करें और इन लोगों की जमीन को छोड़ें। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।